friends, today's my topic is fraction, and in the fraction we are going to do reducing a fraction into a lowest term. आज मेरा टॉपिक है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में ही हम उसमें करने वाले हैं रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट टर्म. फ्रेंड्स, इफ यू माय चैनल इफ यू लाइक इट माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट. फ्रैक्शन और रिड्यूसिंग टॉपिक है मेरा, सब टॉपिक है रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन इनटू इट्स लोएस्ट टर्म. फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट टर्म में करना. अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ 72/90. ठीक है फ्रेंड्स, इसके थ्री मेथड है. ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एचसीएफ ढूंढना है. हमें एचसीएफ ढूंढने से मतलब है कि 72 और 90 का एचसीएफ क्या है. तो एचसीएफ ढूंढने के थ्री मेथड है, वन बाय वन हम देखेंगे. फर्स्ट मेथड हम देखेंगे, फर्स्ट मेथड में क्या होगा, 72 बाहर रहेगा और 90 अंदर. ठीक है, अब 72 के टेबल में 90 कब आता, ठीक है, नहीं आता. तो 72 ही रहता है. फ्रेंड्स, आई होप सबको माइनस आता होगा. तो 0 छोटा है, 2 बड़ा है, तो ये 10 हो जाएगा. इसने इससे बोरो किया और ये दिस इज बिकम 8. फिर 10 में से 2 गए, 8 आया. 8 में से 7 गया, 1. 18 आ गया फ्रेंड्स. अब ये 72 हम इस साइड में रखेंगे. ये हमें तब तक करना है जब तक 0 नीचे नहीं आता. अब 18 की टेबल में 72 कब आता है, ठीक है, 18 4 72. अब इसको माइनस किया और 0 आ गया. जब 0 आ जाएगा तब हमें स्टॉप कर देना है. देन व्हेन द 0 विल कम दैट टाइम वी हैव टू स्टॉप. एंड दिस नंबर इज एचसीएफ. दिस इज आवर HCF. This number is a HCF. Now 72 and 90 both is divided by HCF. What we get? HCF. So 18 is our HCF. Now 18 के टेबल में 72 कब आता है फ्रेंड, 4 टाइम में आता है. और 18 के ही टेबल में 90 5 टाइम्स में आता है. तो दिस इज आवर लोएस्ट टर्म. अगर आपको इसमें परेशानी आ रही है तो एक और है एचसीएफ निकालने का, ठीक है, बाय फ्रैक्शन. हम उस मेथड से करेंगे. दिस इज डिवीजन मेथड, सेकंड मेथड. तो आपको हम 72 का और 90 का अलग अलग एचसीएफ निकालेंगे. ठीक है, अब पहले सबसे पहले 2 से करेंगे. 2 के टेबल में 72 कब आता है, 36 टाइम. फिर 2 के ही टेबल में 36 कब आता है, 18 टाइम. अब 2 के टेबल में 89 टाइम्स में आता है. और फिर नहीं आता, फिर अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 3. 3 3 9 और 3 1 3. 1 आने तक हमें स्टॉप कर देना. सेम हमें 90 के इसमें जाना है. 2 से लोएस्ट टर्म से लीजिए, 2 45 में आता है. 45 2 45 है 90. फिर इसको 3 से करेंगे, 45 नहीं आता इसलिए. Then, 1 आने के बाद स्टॉप कर देंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, 72 अलग से लिखना है और ये सारे नंबर साथ में नीचे लिखिए. और अब 90 का यहां पे लिखिए और ये सारे नंबर एक साथ लिख लीजिए. कॉमन क्या है इसमें, दिस 2 एंड दिस 2 इज कॉमन, 3 एंड 3 इज कॉमन, 3 एंड 3 इज कॉमन. इसको नीचे लिखिए, जो कॉमन है उनको नीचे लिखिए और फिर उनको मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक है, 2 3 6 6 3 18. तो देखा फ्रेंड, यहाँ पे भी एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 18. और सेम प्रोसीजर हमें करना है. फिर हमें एचसीएफ से दोनों को हमें डिवाइड करते रहे. याद रहे हमें एचसीएफ से ही करना है. ठीक है, ये दो मेथड थी. अब तीसरी एक मेथड है जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करते हैं, वो भी है, इतना टाइम नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. तो हमें इसके लिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो सिंपल है, 72 और 90 कौन सा ऐसा टेबल है जो दोनों भी
एक ही टेबल में आता हूँ। ऐसा कौन सा टेबल है जो 72 भी आता है और 90 आता है? कौन सा है? 18 तो है ही है, उसके अलावा भी अगर कोई है तो कौन सा टेबल है? 9 का टेबल है। तो फिर 9 के टेबल में 72 कब आता है बताओ? 8 टाइम में आता है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि 9 के टेबल में 90 कब आता है? 10 टाइम में। ठीक है, अब ये दोनों भी 2 से कट सकते हैं। ठीक है, तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, याद रहे ये दोनों एक ही टेबल से जाना चाहिए। तो इस तरह इसका लोएस्ट टेबल क्या है? 4/5। इसके बाद ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये कट नहीं सकता। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इजी मेथड व्हिच वी आर डू इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मैंने आपको तीनों ही बता दिया है, स्टेप वाइज भी बताया है कि लोएस्ट टर्म कैसे करते हैं, सेकंड मेथड भी बताया है, फैक्टराइजेशन मेथड कि किस तरह हमें एचसीएफ निकालना है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जहाँ पे हमें टाइम की कमी होती है, टाइम की बहुत कम लिमिट में हमें मैच करना होता है। तो आपको एक नंबर याद रखना है जो दोनों ही टेबल में आता हो और उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4/5 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।